बिहारी वालों का तो बिल्कुल रिजल्ट सितंबर में ही आ जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती में प्राथमिक रिजल्ट को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। जैसा कि पीआरटी का जो रिजल्ट है वो जारी नहीं होगा और पीआरटी की जो भर्ती है वो अब लाइफ टाइम रुकी रहेगी या फिर इसे बिहार सरकार रद्द कर देगी, रद्द करके इन पदों को जोड़कर नई भर्ती निकालेगी। ऐसे बहुत सारे अफवाह फैलाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर और संबंधित अभ्यर्थियों के साथ उनकी उनको परेशान किया जा रहा है, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। बिहार शिक्षक भर्ती में प्राथमिक रिजल्ट को लेकर बहुत बड़ी अपडेट हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित हर एक लेटेस्ट अपडेट आप पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जैसा कि आपको अभी अभी पता चला है, शुरू में वीडियो में आपने देखा कि बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने आज एक ऑफिशियल यहां पर बयान दिया है जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि हम बिहार शिक्षक भर्ती में जो प्राथमिक का रिजल्ट है वो सितंबर में ही जारी करने जा रहे हैं, यानी इसी महीने में वो रिजल्ट जारी होने जा रहा है। और उन्होंने इस वीडियो में ये भी दोस्तों बताया है कि 20 से 25 सितंबर के बीच में हम इस रिजल्ट को, प्राथमिक के रिजल्ट को जारी कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि जैसा कि लगातार संशय बनता जा रहा है कि बीएड पूरी तरह से बाहर हो चुका है बिहार से, तो उसी को लेकर उन्होंने ये भी बयान दे दिया है कि केवल हम रिजल्ट जो है वो डीएलएड का जारी करेंगे अभी तक की जो स्थिति है। अगर स्थिति बिल्कुल और साफ नहीं होती है बीएड को लेकर तो हम डीएलएड का रिजल्ट जारी कर देंगे, उनको नियुक्ति भी हम दे देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है, उनको नियुक्ति भी हम दे देंगे लेकिन बीएड का जो अभ्यर्थी सिलेक्ट होंगे उनको हम होल्ड करके रखेंगे अगर सब कुछ स्पष्ट नहीं होता है। अगर स्पष्ट हो जाता है तो सीधे हम बीएड को रोक देंगे और बीएड को हटा देंगे और डीएलएड को पूरी सीटों पर चयनित करते हुए रिजल्ट जारी करके उन्हें नियुक्ति देंगे। तो दोनों तरह से उन्होंने चीजें कही हैं, जैसा रिजल्ट के समय स्थिति स्पष्ट होगी उन्होंने कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम बिल्कुल भी इसलिए इंतजार नहीं करेंगे कि डीएलएड पर संशय बना हुआ, सॉरी बीएड पर संशय बना हुआ है, हम रिजल्ट नहीं जारी करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम तय समय पर 20 से 25 सितंबर के बीच में जो प्राथमिक का रिजल्ट है वो जारी करने जा रहे हैं और उसकी उन्होंने कहा है कि हम पूरी तैयारी कर चुके हैं।